जम द्वारे पर दूत घना जो करते खेचातान उनसे कब हुन छूटता और फिरता चारों खान। कि मरोगे मर जाओगे न कोई न लेगा नाम, अरे यू जड़ जाय बसाओगे तुम छोड़ बसंता गा। जब मौत आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं छोड़ती, उससे बचता केवल एक ही व्यक्ति है और एक वो बचता है जो जीते जी मौत मरने की कला सीख जाता है, जो अपनी जिंदगी में मौत से पहले हजार मौतें जो मरता है वो फिर मौत से नहीं डरता। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब मिलन हो पूर्ण परमानंद। अपना पुराना लोग की गया नहीं कि मरिया बिना सरक नहीं मिले, तो अगर स्वर्ग में जानो है परमात्मा से मिलनो है तो मरनो तो पड़ेगो। और हम लोग ऐसा है कि हम परमात्मा से मिलनो चाहो, स्वर्ग में जानो चाहे, लेकिन मरनो कोई नहीं चाहो। तो मौत जब आती है तो क्या कहती है, अरे कान खोल कर सुन लेना सब, कान खोल कर सुन लेना, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया। अरे कान खोल कर सुन लेना सब, कान खोल कर सुन लेना, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया। और कैसी है ये इंसान की आशा, उसको सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो भी उसका पेट नहीं भरता, देखना। मन की इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, और एक यो पेट है कि अखी दुनिया को अन्न खाई जाए, जबकि सवेरे देखो पाछो खाली को खाली। मसाण में जाए के देखी लो, जहां मुर्दा जड़े है वो मसाण कभी नहीं भरायो, वहां फिर भी खाड़ो ही उसको खाड़ो ही रे, वो खाड़ो कभी नहीं भरायो। मौत कहती तू समझता क्या है, मैं आसमान धरती को खा गई राम और रावणिया, रत्नाकर सागर को पी गई भिंजी तुम्हारी आंगड़िया। मैं आसमान धरती को खा गई राम और रावणिया, रत्नाकर सागर को पी गई भिंजी तुम्हारी आंगड़िया। अरे कान खोल कर सुन लेना सब, कान खोल कर सुन लेना, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया। तेवर जेठनिया सगा कसम की चटनी कर गई भरी नम्हारी पेटड़िया। मैं छोरा छोरी सबको खा गई तेवर जेठनिया सगा कसम की चटनी कर गई भरी नम्हारी पेटड़िया।
खा गई घोड़ा खा गई लावर लश्करिया, भरी फौज में दो नग छोड़िया, एक मेख दूजी में खड़िया। अरे हाथी खा गई घोड़ा खा गई लावर लश्करिया, भरी फौज में दो नग छोड़िया, एक मेख दूजी में खड़िया। ने सुना महाभारत का युद्ध हुआ तो कहते हैं कि 18 लाख अक्षौणी सेना का नाश हुआ। कुरुक्षेत्र पूरा खून से लाल हो गया, वहां इंसान नहीं बचा, वहां केवल दो चीजें बची थी। एक तो इंसान ने जो बख्तर पहन रखा था ऊपर से लोहे का वो, और दूसरा हाथ का खड़ग। बाकी जिंदा इंसान कोई नहीं बचा, सबकी लाशें पड़ी। बड़े बड़े धुरंधर की, जिनको बड़े बड़े वरदान प्राप्त थे, कुछ नहीं बच पाया। अरे कान खोल कर सुन लेना, मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणी। मत कोई पूछो बात हमारी, मैं हूँ नागर बामणिया। शरण मचिंदर गोरख बोलिया हारी नागर बामणिया। अरे इन पानी का अर्थ करेगा लुंदेगा कोई सुघड़िया, शरण मचिंदर गोरख बोलिया हारी नागर बामणिया। शरण मचिंदर गोरख बोलिया हारी नागर बामणिया। कान खोल कर सुन लेना, कोई पूछो बात हमारी, मत कोई पूछो बात हमारी।